तो दोस्तों ये रहा मेरा लैपटॉप। अगर मैं इसमें इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो मेरा इंटरनेट सिर्फ कह सकते हैं या मेरा डेटा 5 मिनट में 1 से 1.5 GB तक ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई से। तो चलिए जानते हैं इसकी वीडियो में। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इंटरनेट इतनी खपत क्यों होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लैपटॉप होता है उसके बैकग्राउंड में कई सारे मतलब प्रोसेसिंग चलती रहती है जिसके कारण हमारा डेटा ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस 2-3 प्रोसेस की मदद से आप अपने मोबाइल का या फिर कह सकते हैं लैपटॉप का डेटा बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे इंटरनेट की खपत को कम। तो सबसे पहले आपको एक मैं पहला तरीका बताऊँगा, वो आपको एक शॉर्टकट की है जो कि आपको डालना पड़ेगी, वो होगी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट के बटन को। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जिसके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो इस ऑप्शन में आपको टास्क मैनेजर खोलना है। सबसे पहले जैसे ही आप टास्क मैनेजर को खोलेंगे तो टास्क मैनेजर पर आप देखिए प्रोसेसर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेसर क्या क्या कर रहा है और कितनी डेटा हमारा ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर्सर ला रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टार्टअप। जैसे ही आप स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ढूंढना हैगा अपना माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को देखिए ये मेरी डिसेबल है ना, जो भी हमारा डेटा सेव होता है फिर सेव होता है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में ही सेव होता है। तो इसे आपको ये रखना है डिसेबल्ड करके, इनेबल करके नहीं रखना है, इसे डिसेबल्ड करके रखना है। इस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, जी आ गया इनेबल, और इसे हमें करना है यहाँ से डिसेबल। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए आपका डेटा कम लेगा आपका लैपटॉप। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, वो आता है हमारा दिस पीसी वाला ऑप्शन। मतलब ये आपको दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे एक दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है। दिस पीसी पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज का, और आप इस मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपकी एक न्यू विंडो ओपन होगी। प्लीज आप कंसिस्टेंटली देखिए इस वीडियो को, अगर नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप स्किप करेंगे। तो इसके बाद खुलने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, जहां पे मैं ये कर्सर दिखा रहा हूं आपको, आप देख सकते हैं सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आप देखिए यहां पे एक सर्विसेज लिख के आएगा, फिर इस पर आपको डबल क्लिक करना है सर्विसेज पर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुल के आएगी, ये आपको पूरे एप्लीकेशन सर्विसेज बता देगी कौन कौन सी सर्विसेज इस डिवाइसेस में रन हो रही है। तो आपको सिंपली इसमें नीचे आना है और विंडो अपडेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विंडो अपडेट, ठीक है ना। तो विंडो अपडेट मैं ढूंढ लूंगा, यहाँ पे कहीं दिखेगा तो आप देख सकते हैं विंडो अपडेट, विंडो अपडेट। ये देखिए ये रहा विंडो अपडेट, ये विंडो अपडेट रहा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट टाइप हैगा वो मेरा मैनुअल हैगा और इसे आपको डिसेबल करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं विंडो को अपडेट करता रहता हूँ तो क्योंकि मेरी ओरिजिनल विंडो है तो इसे मैनुअली अपडेट करता हूँ। तो आप इसे डिसेबल कर लीजिए और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी डिसेबल हो जाएगी और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। सिंपल सा ये मेथड है और ओके दबा देना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आपका जो फ़ोन का डेटा जो लैपटॉप में यूज़ होता है वो कम यूज़ होगा। अब जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपको अपनी विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, ऐसे जा सकते हैं या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं सेटिंग्स। तो सेटिंग्स जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखना है नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके लिए पहले आपको अपने वाईफाई से या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने एंड्रॉयड एपी के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वाईफाई के ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए लेफ्ट साइड में वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वाईफाई के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर आपको जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं उस पर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद ये मैं आपको बता दूँ मेन पॉइंट यही है, यहीं से आपका लैपटॉप सबसे ज़्यादा डेटा खाता है। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक आपको दिखेगा मीटर्ड कनेक्शन। तो जहां पे आपको ये मीटर्ड कनेक्शन दिख रहा है इसका मतलब ये होता है आप अपने डिवाइस को बता रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड डेटा है और आप प्लीज इसका कम यूज करें, लैपटॉप को हम बता रहे हैं। तो यहां से मैंने इसे ऑन करके रखा है, आपको ऑफ नहीं करना है, हमेशा से इसे ऑन ही करना है। ये मेथड थे जिसके जरिए आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बहुत ही कम डेटा यूज करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं अगर फिर भी आपका डेटा बहुत यूज कर रहा है तो आपको ये विंडोज का बटन दिख रहा है इस पर जाना है, जितने भी यहां पे एप्स दिख रहे हैं इस पे लाकर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, सॉरी
राइट क्लिक करना है और फिर इसमें जाके मोर पर जाके सबको टर्न लाइव टिल ऑफ कर देना है, जैसे मेरा दिख रहा है टर्न लाइट टिल ऑफ, तो ठीक है ना। इस पर जैसे मैं ऑफिस पे गया, मोर पे गया और ऑफ कर दिया मैंने इसे, ऐसे ही सबको करना है जिससे ये पूरा कोई भी डेटा नहीं लेंगे। और आपका जो भी डेटा लेने के कारण आपके एंटीवायरस भी होता है, अपना एंटीवायरस मतलब आपने अपडेट नहीं किया है, वो बैकग्राउंड में शायद अपडेट हो रहा है तो वहाँ से भी आपका डेटा जाता है। तो जो मेन कारण थे जिसके जरिए आपका लैपटॉप का डेटा जहाँ से मेनली यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और कमेंट। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। तो बताइए फिर कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर ऐसे ही आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।